व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जैक सलीवन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाएगा। बताया कि राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जैक सलीवन ने कहा कि आने वाले दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें उसके मिसाइल और ड्रोन के कार्यक्रम के साथ साथ IRGC और ईरान के रक्षा मंत्रालय का समर्थन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ नए प्रतिबंध शामिल है। इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि उनका देश पिछले हफ्ते हुए ईरान के हमले का जवाब देगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजराइल ऐसा कब और कैसे करेगा। इजराइल ने 2 सप्ताह पहले सीरीज की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास की इमारत पर कथित तौर पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को इजराइल पर हमला किया। दोनों देशों के बीच दशकों से जारी दुश्मनी के बीच ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे तौर पर सैन्य हमला किया। ईरान ने इजराइल पर हमले के दौरान सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने अपनी वायु रक्षा प्रणाली व लड़ाकू विमानों और अमेरिका 3 गठबंधन सहयोगियों की मदद से 99% ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने ईरान के हमले के बाद इजरायल की सुरक्षा के लिए यूके के समर्थन को दोहराएगा और यूके पीएम ने कहा कि आगे तनाव बढ़ने से क्षेत्र में अस्थिरता ही बढ़ेगी। ऋषि सुनक ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और ईरान के हमले के बाद इजरायल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया।